नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जेडीयू जिस ओर रहती है भारी वही गठबंधन रहता है। थोड़े कम दिखाए जा रहे हैं बिहार में। हमने कहा है कि 40 में 40 सीटें हम जीतेंगे और एग्जैक्ट पोल्स के नतीजे जब आएंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। नतीजों के पहले बिहार को लेकर के जो एग्जिट पोल सामने आया है उस पर जेडीयू की क्या राय है, हमारे साथ जेडीयू के प्रवक्ता हैं अभिषेक झा, उनसे बात करते हैं। क्योंकि जेडीयू जो है उसके बारे में कहा जा रहा है कि एनडीए के लिए शायद कमजोर कड़ी आप लोग साबित होंगे। अभिषेक जी, बेबुनियादी बातें। अभी तो एग्जिट पोल्स जो आए हैं अलग अलग एजेंसियों के द्वारा, उसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनती दिख रही है। बिहार में भी मेजॉरिटी सीट्स एनडीए के खाते में, पूरे सम्मान के साथ हम कहना चाहते हैं, आपके एग्जिट पोल के लिए भी, अन्य जो एजेंसीज हैं उनके एग्जिट पोल के लिए भी, कि आंकड़े थोड़े कम दिखाए जा रहे हैं बिहार में। हमने कहा है कि 40 में 40 सीटें हम जीतेंगे और एग्जैक्ट पोल्स के नतीजे जब आएंगे तब आपको ये देखने को मिलेगा। और दूसरा, हमारी पार्टी पर आरोप लगाए जा रहे हैं, हमारी पार्टी का वोट बैंक कब से खिसकने लग गया। अब जरा ये परिकल्पना करिए ना कि जो लोग इस तरह के आरोप लगाते हैं उन्हें इस बात का आकलन करना चाहिए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जेडीयू जिस ओर रहती है भारी वही गठबंधन रहता है। अगर आप वोट प्रतिशत की बात कर रहे हों और जिस हिसाब से आप एग्जिट पोल्स में वोट प्रतिशत को दर्शा रहे हों, जितने कम का मार्जिन है, अगर हमारी पार्टी उस अलायंस में होती तो भारी कौन सा अलायंस होता। ये बातें बेबुनियाद हैं। नीतीश कुमार जी की स्वीकार्यता इतने लंबे समय से रही है, देश में एक सशक्त नेतृत्व है प्रधानमंत्री जी का, लोकप्रियता उनकी जबरदस्त है और उसी का नतीजा है कि फिर से एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अभिषेक झा, जेडीयू के प्रवक्ता, जो सीधे तौर पे कह रहे हैं कि नीतीश कुमार कमजोर कड़ी नहीं है क्योंकि नीतीश जिस गठबंधन के साथ रहते हैं जीत उसी गठबंधन की या पलरा उसी गठबंधन का भारी रहता है, नतीजे और बेहतर होंगे, ये भी दावा है जेडीयू की तरफ से। सहयोगी कैमरा पर्सन अधिमालम के साथ शशि भूषण, आज तक पटना।